कोंडापांडी थाना क्षेत्र में आई बाढ़ से दर्जनों गांवों में बाढ़ का पानी घरों में घुस गया था। जब बाढ़ का पानी जैसे ही कम हुआ तो वहीं बरवाला खास और सिहोरा बाजे में दर्जनों भर से ज्यादा ग्रामीणों के मकान बाढ़ के पानी की वजह से जमींदोज हो गए, जिसमें मकान गिरने वालों का राशन, कपड़े, बर्तन, घर का सारा सामान दबकर खराब हो गया। तो दूसरी ओर बाबू ने बताया कि जैसे ही कोसी नदी उफान पर आई और तेज पानी बाढ़ का रात के समय गांव में घुस गया तो ग्रामीण ऊंचे स्थान पर पहुंचने लगे। इसी बीच में मेरे पिता बब्बू 60 वर्ष घर में घुसे बाढ़ के पानी में फंस गए और वे बेहोश हो गए। उन्हें ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला गया, मगर कोई साधन नहीं होने की वजह से मेरे पिता ने दम तोड़ दिया, जिनकी मौत से परिवार वालों में मातम छा गया। इन लोगों के मकान गिरे। अफजर जहां पत्नी राहत जान, कलवे अली, पुत्र अकबर अली, 68 पुत्र मुन्नन, नफीस, शकील, अकील, जमील, शमीम, हफीज पुत्र झुंडा, अनवर अली पुत्र जाबिर हुसैन निवासी बरवाला खास, सतपाल पुत्र इतवारी, फूल सिंह पुत्र लाल सिंह, गुड्डू पुत्र मंगल सिंह, शाहजहां पत्नी इब्राहिम, राजेंद्र, विजेंद्र पुत्र रामदास, नन्हे पुत्र दोजी राम, रियासत पुत्र मल्लन निवासी सिहोराबाजे ब्लॉक मुंडा पांडे बरवाला खास सिहोराबाजे में जिन लोगों के मकान गिरे हैं वे लोग अपने बच्चों के लिए दूसरी जगह पर जाकर खाना बनाते नजर आ रहे हैं। सभी ग्रामीण आस लगाए हैं कि हमारी सरकार द्वारा मदद की जाए। हाँ। बरवाले की क्या हुआ? क्या इस बाढ़ से क्या का घर गिर गया? हमारा कमरा कितना नुकसान? इसमें नुकसान बहुत हो गया। राशन वासन भी तब गया। हाँ, खाने को नहीं मिला। प्रधान जी ने दिया था रात। क्या क्या सामान दबाया आपका इसमें? इसमें बर्तन क्या कर, बर्तन भाड़े भी दब गए और सब सामान मेरा दब गया इसमें। कितने बच्चे? कमाने वाला कोई घर में है? कमाने वाले छोटे छोटे हैं, बच्चे भी दब गए, आदमी मेरे खत्म हो गए। आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हैं कि हमें सरकार से कुछ मिलना चाहिए? काका मुआवजा मिलना चाहिए। मुआवजा मिलना चाहिए। यही मकान है और भी मकान है? यही मकान है। इसमें दवा तो नहीं है कोई? ना, दवा कोई नहीं है। वैसा क्या कर, निकल गए सब। अच्छा अच्छा, पानी आने से गिरा ये जो? हाँ, पानी आने से, बाढ़ आने से सब गिर गया के। ठीक है। सतपाल जी, सब ऐसा है कि हमारा आवाज बन जाना थी, सब राशन पासन सब दब गया, घर में रह गया, शहरी गिर गई। क्या करें, हमसे इतना कब्जा नहीं है जो हम बना पाए। क्या करें बताओ, घर से बेघर हो गए हम। सैलाब की वजह से गिरा। सैलाब के साथ सैलाब घरों में घुस गया, अब भी पानी खड़ा है घरों में। अच्छा, जैसे धान की फसल थी आप? धान की फसल ही, वो भी सब बर्बाद हो गई, सब मारी गई सैलाब से। अब खाने के लिए आपके पास? खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। क्या खाएं? अब ये चाहते हैं कि कुछ मिले, सुविधा आवास मिले या कुछ भी मिले, राशन पानी मिले जी। क्या करें? अच्छा, ग्राम प्रधान आपकी मदद के लिए पहुँचे यहाँ पर? हाँ पहुँचे, प्रधान भी पहुँचे, अभी तक कुछ नहीं दिया प्रधानों में भी हमें। ठीक, अब देंगे, प्रधान भी दें या कुछ दें, खाएंगे तो रोटी तो खाएंगे जरूर। जी जी, हैं प्रधान ही जब से कर रहे हैं कल से। भरवाला खास से। अच्छा, ये बाढ़ का पानी आया, क्या क्या नुकसान हुआ? नुकसान ये हुआ सर, क्या नाम है, कोसी नदी का पानी आया, उससे क्या नाम है, घर में पानी घुस गया, दीवारें गिर गई सारी, और क्या नाम, बहुत नुकसान हो गया। और क्या नाम है, जो धान था हमारा वो भी क्या नाम है, बह गया, जो घर पड़ा वो भी सब खत्म हो गया, घर भी गिर गए जितने घर थे। और क्या नाम है, जो डंगरों का था वो भी सारा मतलब खत्म हो गया, डंगर भी और कहीं घर पर बचाए। तो बर्तन राशन वासन जो था तुम्हारा, सारा राशन पासन सब खत्म हो गया, छोड़ छोड़ के ऐसी भागी पानी में से। अच्छा, कितने परिवार हैं आपके गाँव में ऐसे जो बाढ़ के से पीड़ित थे? परिवार इतने हैं यहाँ पे तो बहुत, काफ़ी परिवार है, क्या गिनती होगी, पूरा बरवाल है, मतलब थोड़ा बहुत बीच होगा ना तो सारा ही मतलब बर्बाद ही हो गया। क्या चाहते हैं? प्रशासन की भी ये वो है कि प्रशासन को आना चाहिए था यहाँ पर, मतलब कोई प्रशासन नहीं ना हुआ यहाँ पर। तो ये है मेरा कहना सरकार से कि कोई ना कोई ऐसा मतलब वो करें हमारे लिए, सहायता के लिए जी। हम बहुत परेशान हैं, घर छोड़े पड़े हैं अपना। ठीक।